नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून को होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में खास मेहमान बुलाए गए हैं। इनमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें बुलाया गया है। वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। तो ये तमाम लोग उस दिन मौजूद रहेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह में ये खास मेहमान बुलाए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा दे रहे हैं। देखिए, इस मौके को बेहद खास बनाने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। रविवार शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसे बेहद खास बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। करीब 8,000 लोगों को इसमें बुलाने की बात कही जा रही है। साथ ही जो पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। कई राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें आने की अपनी सहमति भी दे दी है। इसी के साथ बीजेपी ने ये भी कोशिश की कि जो अपना उनका कोर वोट बैंक है उसको भी एक मैसेज दिया जाए, पूरे देश की जनता को मैसेज दिया जाए। इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। और जो मेहमान बुलाए जा रहे हैं उनमें खास मेहमान भी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसमें काम करने वाले मजदूरों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। वंदे भारत और मेट्रो में जो रेलवे के कर्मचारी काम करते हैं उनमें से भी कुछ को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान में जो देश भर में कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनमें से भी कुछ को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके लाभार्थियों को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। विकसित भारत का जो लक्ष्य चल रहा है उसको लेकर जो अभियान है उसके भी एम्बेसडर्स को, ब्रांड एम्बेसडर्स को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। इसके लिए विस्तार से तैयारियां की गई हैं। साथ ही बीजेपी की कोशिश ये होगी कि इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए ये संदेश दिया जाए देश की जनता को कि किस तरह का ये ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि देश के इतिहास में ये दूसरी बार है जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कोई नेता शपथ लेगा। तो इसको एक बड़ा यादगार मौका बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है।